हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अभी जो करंट अफेयर वाला ये लेक्चर है फ्रेंड्स, इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं फरवरी से लेकर मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए मेरे कोई जो चैनल पे फ्रेंड्स हैं जो SSC का अभी एग्जाम चल रहा है 10+2 का, वहाँ पे भी ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आने वाली जो परीक्षा अभी रेलवे की है या उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स, वहाँ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आबकारी से रिलेटेड एक पैटर्न के लिए वीडियो दिया था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने पुलिस कांस्टेबल की वीडियो दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे एग्जाम कब है, कैसे है, कब होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आबकारी में सबसे पहले PET एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है उसमें, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और सिलेबस और पैटर्न उसका सेम UK कांस्टेबल की तरह फ्रेंड्स, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और देखिए एग्जाम होते रहेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रेंड्स। देखिए ये काफ़ी काम बैंकिंग वालों के लिए भी काफ़ी काम आएंगे जो बैंक का एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है, देखिए पहला करंट अफेयर्स है, 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे दो की फैक्ट आपको मिल रहे हैं, 5वां है ये अवार्ड और यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड है फ्रेंड्स। और इस बार का ये दिया गया फ्रेंड्स आशा भोसले को, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे मशहूर गायिका है आशा भोसले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया फ्रेंड्स। देखिए महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा है, ठीक है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शक्ति नामक एप्लीकेशन का शुभारंभ किया फ्रेंड्स। हिमाचल के CM ने इसको लॉन्च किया फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान हिमाचल के CM कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा बनाए गए किस वैक्सीन को WHO के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है और ये टीका या वैक्सीन है फ्रेंड्स, रोटावैक, ठीक है। यहाँ पे रोटवैक हो गया, आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा, रोटावैक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, US डॉक्यूमेंट्री ग्रांड ज्यूरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, US डॉक्यूमेंट्री ग्रांड ज्यूरी अवार्ड ये दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री मूवीज को फ्रेंड्स। तो इस बार की डॉक्यूमेंट्री मूवी जो इसमें शीर्ष में रही वो थी कैलाश मूवी, ठीक है फ्रेंड्स। कैलाश, आप ध्यान देंगे, कैलाश सत्यार्थी के जीवन पे आधारित ये मूवी है फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इनका एक विश्वव्यापी कैंपेन है फ्रेंड्स, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उससे ये जुड़े हुए हैं। इसी के लिए इन्हें मिला था संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति प्राइज, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2018 का अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव संपन्न हुआ फ्रेंड्स, ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क में संपन्न हुआ फ्रेंड्स, जिसकी लोकेशन है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे दुधवा। नेक्स्ट है, भारत का पहला खादी हाट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी हाट को लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, स्वयं PM मोदी ने इसका शुभारंभ किया फ्रेंड्स, नई दिल्ली कनाट प्लेस में इसका उद्घाटन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। हाट का मतलब होता है बाजार, वहाँ पे आपको स्पेशली खादी से रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स या चीज़ें मिल जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के जो भी सैन्य अभ्यास हैं आप सभी को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें किसी भी एग्जाम को देने से पहले, ठीक है। तो गरुड़ सैन्य शक्ति अभ्यास होता है फ्रेंड्स भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। I&I इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बन गया आपका, आई फॉर इंडिया और आई फॉर इंडोनेशिया, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बात करूँ भारत और नेपाल के बीच होता है फ्रेंड्स मैत्री सैन्य अभ्यास, तो ऐसे जो भी जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक फ्रॉड हेतु RBI ने किस कमेटी का गठन किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, बैंक फ्रॉड आप समझ रहे होंगे, हाल में एक काफ़ी विवाद हुआ था पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड केस में, जिसमें नीरव मोदी का नाम सामने आया था फ्रेंड्स, वो देश छोड़ के भाग गए थे। तो इसी टाइप के जो फ्रॉड है उनको आगे को रोकने के लिए और उन पर नज़र बनाए रखने के लिए RBI ने एक कमेटी बनाई है फ्रेंड्स, जिसका नाम है YH मालेगाम कमेटी फ्रेंड्स, ठीक है, YH मालेगाम कमेटी, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में पहला व्यक्तिगत मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, भारत की जिम्नास्टिक प्लेयर है फ्रेंड्स और इन्होंने जीत लिया है इंडिविजुअली पहला ब्रॉन्ज मेडल
वर्ल्ड जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका नाम है अरुणा गुड्डा रेड्डी, ध्यान रखेंगे अरुणा गुड्डा रेड्डी फ्रेंड्स, ठीक है। और इनसे पहले देखिए एक जिमनास्ट प्लेयर और है इंडिया की, दीपक कर्माकर, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया फ्रेंड्स। इन्होंने भी ओलंपिक 2016 रियो में चौथे स्थान पर रहकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की थी फ्रेंड्स, ठीक है। भले वो पदक से चूक गई थी, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन कौन सी ऐसी, देखिए जिमनास्ट का अभी यहाँ पे इतना चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की किस जिमनास्ट प्लेयर को अभी तक एकमात्र है वो, उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये है दीपा कर्माकर, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेंड्स 3 मार्च को, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मक्कल निधि मयम पार्टी का गठन किया गया है, तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मक्कल निधि मयम पार्टी एक नई पार्टी उभर के आई है और नई पार्टी का गठन हुआ है फ्रेंड्स, और इसको बनाया है कमल हासन ने, ठीक है। आप जानते होंगे इसको, इनको साउथ इंडिया के काफी सुपरस्टार एक हिसाब से एक्टर हैं कमल हासन, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, सीपीआई द्वारा विश्व पारदर्शिता रैंक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, देखिए विश्व पारदर्शिता रैंक फ्रेंड्स सीपीआई कंडक्ट करता है इसको, ठीक है। और इसमें करप्शन के हिसाब से प्रत्येक देश की स्थिति देखी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत को इसमें 81वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड को। कहने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और सेशेल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए भारत और सेशेल्स, तो सेशेल्स को जान लीजिए फ्रेंड्स, सेशेल एक पूर्वी अफ्रीका तट पर एक देश है फ्रेंड्स, जिसकी लोकेशन हिंद महासागर में, विक्टोरिया यहाँ की राजधानी, काफी छोटा आइलैंड वाला देश है फ्रेंड्स ये, ठीक है। और इन दोनों देशों के बीच लामित्य नामक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे लामित्य। ये क्वेश्चन बन सकता है देखिए, क्योंकि ये जो टफ वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स वो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है, भारत पहली भारतीय महिला जिन्हें फाइटर प्लेन उड़ाने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स देखिए अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं पहली महिला पायलट जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया है इंडिविजुअली, ठीक है। और बेसिकली देखिए अवनी चतुर्वेदी बिलोंग करती है, क्वेश्चन बन सकता है सतना मध्य प्रदेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैलेस क्वीन हमसफर ट्रेन सेवा किन दो स्थानों के बीच चलाई जाएगी, तो देखिए फ्रेंड्स पैलेस क्वीन हमसफर ट्रेन ये एक लग्जरी ट्रेन है फ्रेंड्स, जिसमें बिल्कुल राजशाही के अंदाज में आपको वार्म अप किया जाता है, आपका वेलकम किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये चलेगी फ्रेंड्स मैसूर और उदयपुर के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे मैसूर और उदयपुर। और इसका भी शुभारंभ किया गया, मतलब हरी झंडी दिखाई गई इस ट्रेन को पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे मैसूर जो कि लोकेशन है जिसकी कर्नाटक में, और उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, तो देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ठीक है, नेशनल जो हमारा कल्चर फेस्टिवल है 2018 का, ये संपन्न हुआ ग्वालियर में फ्रेंड्स। और ग्वालियर आपको पता है एक सिटी है कहाँ की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 कौन सा देश आयोजित करेगा, तो फ्रेंड्स देखिए अभी इसकी घोषणा हुई है, इसको आयोजित होने में अभी लंबा वक्त है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि 5 जून 2018 को जो विश्व पर्यावरण दिवस होगा फ्रेंड्स, उसको होस्ट करेगा इस बार भारत, ठीक है, ये भारत में होस्ट होगा। और इसमें जो थीम रखी गई है, ठीक है, और जो इसकी थीम है वो है फ्रेंड्स बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्लोगन भी कभी कभी पूछ लेता है, थीम पूछ लेता है वो किसी भी बड़े जो भी इवेंट होने वाला होता है तो उसका पूछ लेता है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नेवी द्वारा किस न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, तो भारतीय नेवी ने अभी परीक्षण किया है न्यूक्लियर मिसाइल है फ्रेंड्स ये, और इसका नाम है धनुष, ठीक है, ध्यान रखेंगे धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल में ही किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री का दुबई में निधन हो गया है, तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते होंगे, काफी चर्चित रही है और काफी चर्चा का विषय रहा सभी न्यूज चैनलों में, श्रीदेवी जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी दुबई में, ठीक है, किसी फेस्टिवल में वो वहां पे पार्टिसिपेट कर रही थी और उसी दौरान हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई श्रीदेवी, ठीक है, जो कि मशहूर अभिनेत्री है बॉलीवुड की, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना तो भूले ना फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा फ्रेंड्स उत्तराखंड करंट अफेयर की, एक या दो दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्रेंड्स,
तब तक चैनल के साथ बने रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।